हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल आरके एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम तरबूज और खरबूज के बारे में बताएंगे कि उसके साइज को किस तरीके से नेचुरली या थोड़ा बहुत दवा स्प्रे करके कैसे बड़ा किया जाए। दोस्तों तो दोस्तों हम आपको ड्रिप इरीगेशन और नॉर्मल दोनों तरीके से बताएँगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम आपको पहले ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के बारे में बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने फील्ड में क्या देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप उसमें क्या करिए कि 25 से 30 दिन बाद फूल आते, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 25 से 30 दिन के बाद आपको क्या करना है कि 0-52-34, आप देख रहे हैं 0-52-34, आपको क्या करना है, मार्केट से 0-52-34 को लाना है 3 kg पर एकड़ की डोज से। आप अपने ड्रिप इरिगेशन में आप इसको डाल देना है और लगभग 3 kg 0-52-34 लाना है पर एकड़ के हिसाब से। आपको 3 kg के डोज के हिसाब से आप इसको डाल दीजिए और उसके डालने के लगभग 25 से 30 दिन बाद आपको क्या करना है कि 0-0-50-1 आता है, इसमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 50% होती है। इसको भी आपको 3 kg 20 से 25 दिन के बाद आप इसको भी आप उसमें ड्रिप इरिगेशन में डाल दिए और इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होगा कि इसमें क्या होता है कि पोटास होता है या फल को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि आपको ड्रिप इरिगेशन में क्या करना है, 4 kg आपको लाना है 13-0-45 आता है, NPK आता है, ये सारा ग्रोमोर कंपनी का आता है। आप इसको ला करके 4 kg क्या करिए अपने प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन में डाल दीजिए और यह फील्ड में पड़े। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं आगे क्या करना है। आपको कैल्शियम नाइट्रेट 3 kg और बोरान 250 ग्राम आप इसको पर एकड़ के हिसाब से आप इतना लाइए और अपने फील्ड में डालिए। ये सारा सिस्टम था ड्रिप इरिगेशन। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल फील्ड में डालना है उनके लिए हम आपको बता दें उनको क्या करना है, 0-52-34 को पेड़ पेड़ के पास डालना है। अगर उनके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं तो इसको पेड़ पेड़ के पास डालना है। अगर आपके पास पेड़ पे डालने की व्यवस्था नहीं तो आप इसका क्या स्प्रे भी कर सकते हैं। आप इसको 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से 15 से 16 लीटर में आप इसको 100 ग्राम स्प्रे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, आप इसको भी पेड़ के पास दे सकते हैं। अगर आप पेड़ के पास नहीं दे सकते हैं तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, डोज इसका भी 100 ग्राम होगा। और स्प्रे करने के साथ साथ आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, यह जो आप देख रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है दोस्तों, आप इसको भी 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से मिला करके आप स्प्रे करिए दोस्तों। और जो भी मैं पीछे आपको बताया हूँ ये भी 100 ग्राम रहेगा दोस्तों, 100 ग्राम पर 15 लीटर और इसका भी डोज आप स्प्रे में आप नॉर्मली 100 ग्राम पर 15 लीटर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इन सब के आप नॉर्मल फील्ड में, मैंने आपको दोनों बता दिया, ड्रिप इरीगेशन किए हैं तो आप ड्रिप इरीगेशन में कर सकते हैं, नॉर्मल फील्ड में अगर आप ग्रो किए हैं तो नॉर्मल फील्ड में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, ज़मीन में आपको देना है तो ज़मीन में आप दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।